आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कुछ निर्दयी लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं मोदी। किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी। गंधवानी किसानों के हित और उनके संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का कुछ लोग सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं। जो लोग कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वास्तव में वह किसान है ही नहीं। देश की विपक्षी पार्टियां एकमत होकर मोदी सरकार का विरोध करने के लिए किसानों के नाम पर झूठी राजनीति कर रही है। कृषि कानून को लागू हुए 6 महीनों बाद इस प्रकार से अचानक विरोध करना वामपंथी मानसिकता के साथ ही कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र दिखाई देता है। ये सब एकमत होकर देश में बन रही अच्छी योजनाओं का विरोध कर देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। कृषि कानूनों को अपनी फसल बेचने की खुली आजादी होती है, साथ ही एमएसपी की गारंटी भी देता है। ना ही मंडियां बंद होगी, ना ही किसानों की जमीनों को कोई हड़प पाएगा। कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं मध्यप्रदेश के रायसेन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के झूठे नेताओं की पोल खोलते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इन लोगों ने सत्ता में आने के लिए किसानों के साथ धोखा किया। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सरकार आने पर कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों को ब्याज के कर्ज में डूबो गए। आप चिंता न करें, शिवराज मामा आपके साथ है। ये कर्ज भी समय आने पर आपका शिवराज सिंह उतार देगा। मध्यप्रदेश का किसान मोदी जी के साथ है। लाइव टेलीकास्ट के जरिए मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी को पूर्ण विश्वास दिलाया। इस कार्यक्रम को जनपद हॉल गंधवानी में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से किसानों और जनप्रतिनिधियों को दिखाया गया। इस मौके पर तहसीलदार सुनील करवरे, जनपद अध्यक्ष कमल धारवे, भाजपा नेता शिवपाल आर्य, मोहनलाल काग, राकेश मोटसारा, दीपक पांडे सहित सैकड़ों किसान और कर्मचारी गण उपस्थित थे। गंधवानी से हरिओम मालवी की रिपोर्ट।